अफगानिस्तान पर कट्टर इस्लामिक ताकतों यानी तालिबानियों का कब्जा। काबुल एयरपोर्ट से आई ये तस्वीरें बयान करती हैं कि कैसे लाखों लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाना चाहते हैं काबुल को छोड़कर, क्योंकि उनको पता है कि काबुल में तालिबानियों की हुकूमत के बाद उनकी ज़िंदगी नरक से बदतर हो जाएगी, और वो इसी कारण से अपनी जान को जोखिम में डालकर काबुल से दूर जाना चाहते हैं। ऐसी कुछ दिल दहलाने वाली वीडियो सामने आई जब उड़ते वायुयान से कुछ लोग गिरते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा विषय ये कि आखिर भारत को क्यों चिंतित होना चाहिए तालिबानियों का काबुल पर कब्जे से, और सच्चाई ये है कि भारत को चिंतित होना चाहिए। वैसे तो भारत कई सालों से कई अरब डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका है, स्कूल, अस्पताल और बिजली और अन्य परियोजनाओं में भारत ने निवेश किया हुआ है, लेकिन अब तालिबानियों की हुकूमत के बाद ये सारी चीज़ें रोक दी गई हैं। भारत को आखिरकार क्यों चिंतित होना चाहिए? भारत को इसलिए चिंतित होना चाहिए कि चीन ने तालिबानियों को खुलकर समर्थन किया है, पाकिस्तान ने तालिबानियों को खुलकर समर्थन किया है, भारत के जो पड़ोसी देश, पाकिस्तान ने तालिबानियों को खुलकर समर्थन किया और पहले भी करते आया है, भारत के कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान, भारत के सियाचिन की तरफ से चीन, तालिबानियों की मदद से भारत के लिए अस्थिरता पैदा कर सकता है, और आने वाले कुछ समय में ये तीनों मिलीभगत के साथ भारत में नापाक हरकतें कर सकते हैं। लेकिन ये न्यू इंडिया है, ये लड़ना भी जानता है और जवाब देना भी जानता है। भारत ने यूएनएससी की बैठक में कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश और दोस्ती होने के नाते भारत चिंतित है, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों की मदद करना जरूरी है। भारत ने साथ साथ एक अहम बात यह भी कही कि जो देश आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस नीति पर बात करते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती आतंकवादियों के लिए उपयोग न की जाए। भारत तालिबानियों को, और अगर पाकिस्तान और चीन ये सोच रहे हैं कि वो तालिबानियों की मदद के साथ भारत में नापाक हरकतें कर सकते हैं, तो भारत उनको एक मजबूत जवाब देने के लिए तैयार है और सक्षम है। कुछ लोग जो मानवता की बात करते हैं, कुछ देश जो मानवता की बात करते हैं, आज वो अफगानिस्तान की इस दयनीय स्थिति पर शांत हैं। जब अफगानिस्तान ये आस लगाए बैठा है कि कोई सा तो देश उनकी मदद के लिए आएगा, उनके लोगों की जान को बचाएगा। आपने जो तस्वीरें देखी उसमें आपने देखा होगा कि महिलाएं और बेटियां आपको देखने को नहीं मिली। लोग उनको वहां छोड़कर, उनको उस हालत में छोड़कर, अपनी जान बचाकर कैसे भी काबुल से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जान का जिम्मेदार, उनकी हिफाजत का जिम्मेदार कौन होगा? अफगानिस्तान जो सबसे बड़ी आशा लगाए हुए बैठा था अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने भी रातों रात वायुयान भेजकर अपने सैनिकों को अमेरिका वापस बुला लिया और अपने लोगों को काबुल से अमेरिका वापस लाने के लिए सांत्वना दी और उनको भरोसा दिलाया कि अपने लोगों को काबुल से सुरक्षित वापस अमेरिका लेकर आएंगे। लेकिन अमेरिका को ये याद रखना चाहिए कि अलकायदा ने जब अमेरिका पर हमला किया था तो तालिबानियों ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अलकायदा को दिया था, इन्हीं की सहायता से अमेरिका पर हमला किया था, तो अमेरिका को इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए।
आज जब अफगानिस्तान को देशों की मदद की आवश्यकता है, तो हर देश को अफगानिस्तान के लिए आगे बढ़कर आने की जरूरत है। भारत मजबूती से सामना कर रहा है और भारत ने यह विश्वास दिलाया है कि वो भी अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित काबुल से वापस भारत लेकर आएगा। और पाकिस्तान और चीन अगर तालिबानियों के समर्थन के साथ कोई भी नापाक करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये नया भारत है, ये लड़ना भी जानता है और समझाना भी जानता है। कुछ लोग जो तालिबानियों की इस काबुल पर कब्जे की खुशियां मना रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, कुछ फोटोज ट्रेंड में आ रही हैं, कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें यह साफ तौर पे देखा जा रहा है, जिसमें यह साफ तौर से देखा जा रहा है कि कैसे लोग कह रहे हैं कि तालिबान ने किस तरीके से काबुल पर अपना कब्जा करके अपना बदला पूरा किया आजादी का। उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप एक सुरक्षित देश में हैं, भारत बहुत सुरक्षित है। भारत इन तालिबानियों जैसे आतंकवादियों से लड़ना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। भारत का तालिबानियों से अभी का नाता नहीं है, तालिबानियों से चिंतित होना की एक सबसे अहम बात यह भी है कि काठमांडू से दिल्ली की जो फ्लाइट हाईजैक की गई थी उसे कांधार आतंकवादी कांधार की तरफ लेके गए थे, कांधार उन्होंने जाकर रोका था। तो उन आतंकवादियों को जो सबसे ज़्यादा मदद मुहैया करा रहा था वो तालिबानी थे, तालिबानियों ने उन आतंकवादियों को मदद मुहैया कराई थी उस हाईजैक में, और उस हाईजैक में उन आतंकवादियों की मांग रही मसूद अजहर और साथ में 3 आतंकवादियों को रिहा करने की। तो भारत ये भूला नहीं है, तो भारत इन तालिबानियों को उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। जय हिंद, वंदे मातरम।